हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असलम हार्डवेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआई शीट के बारे में, जो कि दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रही है। सिंपल ये दोस्तों ये जीआई शीट होती है जो कि दरवाजे वगैरह में लगाई जाती है, शटर वगैरह में भी दोस्तों लगाई जाती है। और दोस्तों आपने घर में कूलर वगैरह, कोटी वगैरह या बक्से वगैरह, ड्रम वगैरह देखे होंगे, उनमें भी यही वाली शीट दोस्तों काम में ली जाती है। दोस्तों आज हम पूरी डिटेल से इस शीट के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि इसका वेट कितना होता है और कितने एमएम की ये शीट होती है, कितना गेज होता है, कैसे इसे लगाया जाता है, कैसे इसकी गेज को पता किया जा सकता है। दोस्तों ये सब कुछ वीडियो में कम्प्लीटली होने वाला है, तो वीडियो आपको पूरी कम्प्लीटली लास्ट से देखनी है, वीडियो आपको पूरी की पूरी एंड तक देखनी, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली आपके सामने दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जीआई शीट होती है, जो कि आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका आपको एमएम बता देता हूं। दोस्तों ये 40 की शीट है, जो कि 40 एमएम की शीट होगी। अब दोस्तों आप पता कैसे करेंगे कि ये शीट 40 एमएम की, 50 एमएम की, 60 एमएम की है? तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको पहले बताया था, तो मैंने 50 की शीट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यहां से आप वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 50 को कैसे चेक किया जा सकता है वो भी आप पता कर सकते। दोस्तों ये 40 की शीट है, जो कि आप देख सकते हो जीआई शीट होती है, जो कि दोस्तों काफी हल्की और काफी ठीक ठाक होती है, मतलब ज्यादा हल्की भी नहीं हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं दरवाजे वगैरह में इसे लगाया जाता है। दोस्तों अब इसकी थिकनेस कैसे चेक करते हैं, वायर गेज से दोस्तों इसकी थिकनेस चेक करते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वायर गेज कैसा होता है। अगर आपको पता नहीं कि वायर गेज को कैसे यूज करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने डेडिकेट वीडियो बनाई है, जहां से आप उसे चेक कर सकते हैं और इस वायर गेज से इसकी थिकनेस पता कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ही आपको अगर आप जानकर हो जो शीट के बारे में काम करता है, शीट को यूज लेता है, तो उसे हाथ लगाते ही पता चल जाता है कि 50 की शीट है कि 40 की शीट है, जो कि इसका एमएम कितना होता है। दोस्तों इसकी मतलब गेज इसकी हल्की है, इतनी भारी होती है, ऐसे ही पता चल जाता है आपको कि कितने गेज की शीट है। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, ये 40 गेज की शीट है, मतलब 40 40 की शीट है, मतलब 40 एमएम की शीट है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि लाइट वेट में ही होती है और ज्यादा हेवी में नहीं होती। और दोस्तों हमने देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पल्ला रखा हुआ है दोस्तों, जो कि 3x6 का पल्ला है, मतलब सिंपल दरवाजा होता है उसका ये पल्ला है दोस्तों, उसमें हमने इसको यूज किया। यानी तो दोस्तों सिंपली हमको इसमें 1 इंची 1 सूत का एक फ्रेम बना रखी है, उसमें अंदर इसकी चद्दर बिठा रखी है, मतलब जीआई चद्दर हमने उसके नाप की काट के उसमें वाइशर वेल्डिंग करने के बाद में इसे चापन से पूरी की पूरी रिबिटिंग कर देंगे, जिससे कि फिक्स हो जाएगी और आप इसे पता भी नहीं कर सकते कि 40 की शीट है आपकी, क्योंकि इसमें चापन जब लगाई जाती है दोस्तों ये चद्दर खींच जाती है और आपकी चद्दर पूरी टाइट हो जाती है, तो आप सिंपली पता नहीं लगा सकते कि कितने गेज की चद्दर है, काफी हेवी और काफी थिकनेस हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती है, जिससे आप पता नहीं लगा सकते कि कितनी भारी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में, कि आपको ये मार्केट में क्या रेट में अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों ये जीआई शीट आपको मार्केट में वेट के हिसाब से अवेलेबल होती है, मतलब इसके वजन के हिसाब से अवेलेबल होती है, तो मैं इसका वजन बता देता हूं दोस्तों आपको, ये कितने रुपए केजी के हिसाब से मिलती है। दोस्तों ये आपको 75, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 75 रुपए केजी के हिसाब से आपको मार्केट में ये वाली शीट अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों जो इसके रोल आते हैं, मतलब आप देख सकते हैं 3 फीट में भी इसका पन्ना आता है, 4 फीट में भी इसका पन्ना आता है, 5 फीट, 6 फीट, जितना फीट आप बोल सके, मतलब 10 फीट तक का इसका पन्ना आता है, और लंबाई में तो आप जितना चाहे उतना इसको ले सकते हैं, मतलब 100 फीट तक भी ये पूरी की पूरी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों जो कि जीआई शीट है आप देख सकते हैं, 40 को भी मिल जाती है आपको मार्केट में, 50 की मिल जाती है, 60 की मिल जाती है, जैसा चाहो आप उतनी थिकनेस की आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, पर थोड़ा सा रेट में डिफरेंस होता है। दोस्तों 75 की जगह आपको 80 की मिल सकती है, 85 की मिल सकती है, हो सकता है आप अदर स्टेट से हो या फिर यूपी से हो, बिहार से हो, आपको वहां पे ये थोड़ी महंगी मिल सकती है। तो नीचे आप मुझे कमेंट करके ये मत बोलिएगा दोस्तों आप इतनी के आप इतनी सस्ती कैसे दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो ये महंगी मिल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर से पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।